नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स मैके की बहुत ही प्रसिद्ध कविता माय गुड राइट हैंड। यह कविता एक साधारण विषय वस्तु निर्धनता एवं उसके निराकरण का वर्णन करती है। इसमें बताया गया है, कवि बहुत गरीब था, उसने हर जगह सहायता हेतु तलाश की, किंतु उसके मित्रों व परिचितों ने उसकी मदद नहीं की। शीघ्र ही उसने अपने कठिन परिश्रम से खुद को धनवान बनाया। उसके स्वार्थी मित्र व परिचित उसके पास लौट आए, क्योंकि अब वह समृद्ध हो गया था। किंतु कवि को अब उनकी आवश्यकता नहीं थी। कवि हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने स्वयं के हाथों पर व ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं पोइम। कवि का नाम है चार्ल्स मैके और कविता है माई गुड राइट हैंड। देखिए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है, आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन, कंपेनियंस वॉज शाई, एक्वेंटेंस वॉज कॉल्ड, दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड द गॉड। ठीक है, I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded the cold. ये पहला स्टेंजा है, तो समझिए एक एक करके हम मीनिंग समझते हैं। Fell into का मतलब होता है कि स्थिति में था। Grief का मतलब दुख होता है, लेकिन यहाँ grief का मतलब गरीबी से लगाया जाएगा। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत। कंप्लेन का मतलब है शिकायत। लुक्ड फॉर का मतलब है तलाश करना। लुक्ड फॉर का मतलब है तलाश करना। सॉर्ट का मतलब है ढूंढना। कंपेनियंस का मतलब है मित्र। कंपेनियंस का मतलब है मित्र। और शाई का मतलब होता है सहायता करने के अनिच्छुक। और शाई का दूसरा मतलब होता है जो काफ़ी शर्मीले होते हैं उनके लिए भी शाई लगाया जाता है। एक्वेंटेंस, देखिए एक्वेंटेंस का मतलब क्या है। एक्वेंटेंस का मतलब है जान पहचान के लोग। कोल्ड का मतलब है, कोल्ड का मतलब है भाव शून्य, भावना शून्य। काउंसिल का मतलब है सलाह है। काउंसिल का मतलब है एडवाइस, सलाह है। और ड्रेडेड देयर गोल्ड का मतलब है धन उधार देने से डरते थे। तो पढ़ते हैं इसको शुरू से ही। कवि कहता है, जब वह गरीबी के कारण दुखी था, जब वह गरीबी के कारण दुखी था, यानी वह काफ़ी गरीब स्थिति में था। कवि कहता है कि मैं गरीबी की स्थिति में था तथा शिकायत करने लगा कि मैं दुखी हूँ, असंतुष्ट हूँ। फिर मैंने किसी मित्र की तलाश की। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मेरी तलाश व्यर्थ ही गई, क्योंकि मुझे विपत्ति में सहायता देने वाला एक भी मित्र नहीं मिल सका। अब देखिए, कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस मित्र, शाई मतलब मदद करने के अनिच्छुक थे, यानी मेरे साथी मेरी सहायता करने के इच्छुक नहीं थे। फिर हैं एक्वेंटेंस वर कोल्ड, एक्वेंटेंस यानी परिचित लोग, जान पहचान वाले, यानी मेरे परिचित लोग भी मेरे प्रति भाव शून्य हो गए। अर्थात उन्होंने न तो मेरे दुख दर्द को समझा और न मेरी किसी भी प्रकार की मदद की। अब देखिए फिर उसके बाद में जो लाइन है, दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाहें तो दी, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन वे मुझे धन पैसा रुपया मदद देने से डरते रहे। तो ये है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेंजा है, लेट देम गो, आई एक्सप्लेन, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी वाट एवर बी टाइड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन सैंड, आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। तो ये है, देखिए दोबारा समझिए।
Let them go, I explained. I have a friend at my side to lift me and add me, whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I will trust in heaven and my good right hand. ये है, तो समझते हैं इसको एक एक करके. सबसे पहले हम समझते हैं स्पेलिंग्स को. जो कि एक्सक्लेम्ड का मतलब है आश्चर्य के साथ कहना या विस्मय के साथ कहना. एट माई साइड का मतलब है मेरे पास, मेरे साथ, उसको बोलते हैं एट माई साइड, उसको कहते हैं एट माई साइड. लिफ्ट का मतलब है किसी को हसमुख व खुश मिजाज बनाना, किसी को हसमुख व खुश मिजाज बनाना, यहाँ लिफ्ट का मतलब ये है. और एड का मतलब देखिए क्या है, एड का मतलब है हेल्प, मदद करना. वाट एवर का मतलब है जो कुछ भी. और बिटाइड का मतलब है हो जाए. वाट एवर बिटाइड का दोनों का मतलब क्या होगा, चाहे जो हो जाए. ट्रस्ट का मतलब होता है यकीन, विश्वास, उसको कहते हैं ट्रस्ट. द वर्ल्ड यानी यहाँ संसार, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे अन्य लोगों पर, दूसरे लोगों पर. टू बिल्ड ऑन सैंड, रेत पर महल बनाना, कहने का मतलब. ये अच्छी फ्रेज है यहाँ पे, टू बिल्ड ऑन द सैंड यानी रेत पर महल बनाना, मतलब निष्फल प्रयास करना, ऐसा प्रयास करना जो सफल नहीं हो. हेवन का मतलब है स्वर्ग, हेवन का मतलब है स्वर्ग. और गुड राइट हैंड का मतलब है स्वयं के हाथों से किया गया परिश्रम या स्वयं के हाथों से की गई मेहनत, उसे कहेंगे माय गुड राइट हैंड. आप देखिए समझिए इसे एक एक करके. मैंने विस्मयपूर्वक कहा, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने विस्मयपूर्वक कहा. लेट देम गो, उन्हें जाने दो. उन्हें किन्हें जाने दो, मतलब मित्रों को जाने दो जिन्होंने मेरी मदद नहीं की. फिर ये कहता आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक मित्र है. टू लिफ्ट मी एंड ऐड मी वाट एवर बिटाइड, यह मित्र चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी मुझे खुश रखेगा, प्रसन्न रखेगा, वह मेरी मदद करेगा. वाट एवर बिटाइड, चाहे कुछ हो जाए फिर भी मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरी मदद करेगा. अब देखिए टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार भी यकीन करना, कहने का मतलब दूसरे लोगों पर विश्वास करना, उन पर भरोसा करना. मानो ऐसा है कि हम रेत पर क्या बना रहे हो, एक महल बना रहे हो. रेत पे महल बनाना जो कि थोड़े देर तो रहेगा, फिर बाद में लहरों से आराम से नष्ट हो सकता है, किसी के ठोकर मारने से नष्ट हो सकता है. यानी वो टेम्प्ररी है, क्षणिक है, कुछ ही देर टिकेगा, उसके बाद में वो नहीं टिकेगा. फिर है आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड. फिर वो कहता है मैं तो केवल ईश्वर पर और अपने हाथों पर, कहने का मतलब स्वयं के द्वारा की गई कठिन मेहनत पर ही भरोसा करूँगा. हेवन का मतलब है यहाँ पे भगवान, परमेश्वर, उसको कहते हैं ईश्वर. यानी उसका ईश्वर में यकीन है, खुद की मेहनत पर उसका बहुत ज़्यादा यकीन है. ये हम समझेंगे इस पे. अब नेक्स्ट है देखिए माई करेज रिवाइव्ड. ये कहता है माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पीड वॉज लाइट. इट रेज्ड मी सोर एंड सेव्ड मी फ्रॉम पेन. इट फेड मी क्लेड मी अगेन एंड अगेन. दोबारा पढ़िए देखिए माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज स्ट्रॉन्ग एज स्पीड वॉज लाइट. इट रेज्ड मी फ्रॉम सोर. इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन. इट फेड मी क्लेड मी अगेन एंड अगेन. तो ये तीसरा स्टेंज है. देखिए स्पेलिंग समझ लेते हैं. करीज, करीज का मतलब होता है साहस. रिवाइव्ड का मतलब होता है वापस प्राप्त करना, पुनः अर्जित करना. अब देखिए फॉर्चून्स डिस्पाइट, कहने का मतलब दुर्भाग्य के बावजूद भी, बुरी किस्मत होने के बावजूद भी, उसको कहते हैं फॉर्चून्स डिस्पाइट. अब देखिए स्पिरिट का मतलब होता है, स्पिरिट मतलब है मन, हमारी जो कहने का मतलब चेतना है, हम जो सोचते हैं, हमारा मानस क्या है, हमारा मन क्या कहता है, तो वो स्पिरिट है. लाइट मतलब प्रसन्नचित्त, खुश, हर्षित, उल्लासित, उसको कह सकते हैं हम लाइट. रेज्ड का मतलब है, रेज्ड का मतलब है उठाया. सेव्ड यानी बचाया. पेन यानी दर्द पीड़ा. फेड का मतलब है खाने को भोजन दिया, यानी पेट भरने के लिए कुछ न कुछ दिया. क्लेड का मतलब है कपड़े पहनाए, कहने का मतलब पहनने के लिए कपड़े मिल गए. अगेन एंड अगेन, बार बार, और यहाँ अच्छी तरह से. अगेन एंड अगेन का मतलब यहाँ किससे लगाया जाएगा, अच्छी तरह से, ठीक तरह से. अब देखिए एक एक करके हम समझेंगे इसको.
दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया. माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, यानी बुरी किस्मत के बावजूद भी मेरा साहस वापस लौट आया, मैंने अपने साहस को पुनः अर्जित कर लिया. यानी वो इस तरह से हो गया कि वापस से जिसे जीवित हो गया हो, पुनर्जीवित हो गया हो, रिवाइव्ड जिसे कहते हैं, मेरे हाथ अभी इतने मजबूत हो गए जितना मेरा मन प्रसन्न था. यानी मेरा मन भी प्रसन्न था और मेरे हाथ भी मजबूत हो गए. यानी मैं मेहनत करने लग गया, मैं मन से नहीं हारा था. कि कहा जाता है ना कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत. यदि आप मन से किसी चीज़ को जीत लेते हो, आप मान लीजिए पूरे ब्रह्मांड को आप जीत लेते हो. अब देखो, इन्होंने मुझे दुख से उबार लिया. My hand was as strong as my spirit was light. कहने का मतलब मेरे हाथ अब इतने मजबूत हो गए जितना मेरा मन प्रसन्न था. इन्होंने मुझे दुख से उबार लिया. कहने का मतलब it raised me from sorrow. It saved me from pain. इन्होंने पीड़ाओं से, दुख दर्द से, तकलीफ से मेरी रक्षा की, मुझे बचाया. और फिर ये आगे कहता है, इन्होंने मुझे खाने को भोजन दिया. It fed me, clothed me. कहने का मतलब मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए. इन्होंने ये सभी कार्य बार बार संपन्न किए. कहने का मतलब अच्छी तरह से ये कार्य संपन्न होते गए. जैसे जैसे मैं मेहनत करता गया, मैं धीरे धीरे क्या होता गया, समृद्ध बनता गया. अंतिम स्टेंज है, देखिए. द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरी वन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज अ सन. आई नीड देम नो मोर एट दे ऑल अंडरस्टैंड आई थैंक दी आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड. देखो कितनी बड़ी बात कही ये, इसमें इसको समझना ज़रूरी है. देखिए डार्केस्ट का मतलब होता है पूर्व में जो सबसे कम मददगार थे. वैसे डार्केस्ट का मतलब आप लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंधेरे से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा. पूर्व में जो सबसे कम मददगार, वे दोस्त जो शुरू शुरू में मेहनत नहीं करते थे, उनके लिए डार्केस्ट एडवाइजर यहाँ पे यूज हुआ है. एडवाइज़र का मतलब हो गया सलाहकार. डार्केस्ट मतलब पहले वे मेरे दोस्त जो मदद नहीं करते थे, ये बहुत नए के बराबर मदद करते थे, उसके लिए डार्केस्ट आए. क्योंकि डार्केस्ट का मतलब होता है अंधेरा. लुक्ड ब्राइट का मतलब होता है प्रसन्नचित. लुक्ड ब्राइट का मतलब क्या होता है, प्रसन्नचित. एडवाइज़र हो गया सलाहकार. डार्केस्ट यानी जो पहले में कम मदद करते थे. अब देखिए दी मतलब होता है यूँ. दी का मतलब होता है यूँ. दी दी का मतलब होता है यूँ. ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है यकीन करना, विश्वास करना. अब देखिए, अब ये कहते हैं द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन. वे मित्र जो मुझे छोड़कर चले गए थे अब वापस आ गए हैं. यानी मेरी संपन्नता को देखकर, मेरे वैभव को देखकर, मेरे यश, मेरी कीर्ति को देखकर अभी वापस आ गए हैं. अभी कहते हैं एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज अ सन. ये कहते हैं कि सबसे कम मदद करने वाले सलाहकार अब सूर्य की कांति के समान आभावान, अर्थात बहुत ही प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं. आई नीड देम नो मोर. अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वे भी समझते हैं. आई थिंक दी मैं तो तुम्हें धन्यवाद देता हूँ. आई ट्रस्ट दी मैं तो तुम पर ही यकीन करता हूँ. माई गुड राइट हैंड. देखो अपने आप पे व्यक्ति को क्या होना चाहिए, यकीन होना चाहिए. अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं. अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप, अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप कवि की गरीबी की स्थिति बदल गई. अब वह धनवान हो गया, पैसे वाला हो गया. उसके सभी मित्र, रिश्तेदार जो कभी उसे गरीबी में अकेला छोड़कर चले गए थे, धीरे धीरे करके वापस आ गए. पूर्व में सबसे कम मदद करने वाला सलाहकार अब जब कवि को धनी देखते हैं, पैसे वाला देखते हैं, तो खुश हो उठते हैं. अब वे उससे संबंध बनाना चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं. किंतु कवि अब ये स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वे सारे स्वार्थी लोग थे और कवि को स्वार्थी लोगों की आवश्यकता नहीं है. अब उसे इस संसार की परख हो गई है कि कौन सही है और कौन गलत है. कविता के अंत में कवि परमेश्वर को धन्यवाद देता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है और अपने हाथों से किए गए परिश्रम पर भरोसा करता है, जिससे वह आज समृद्ध और खुशहाल जिंदगी का आनंद उठा रहा है, लुत्फ उठा रहा है. अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है इस कविता से संबंधित है,
कि इसमें एक मैसेज है जो कवि सभी को देना चाहता है कि हम दूसरों पर निर्भर न रहें, कठोर परिश्रम के द्वारा आत्मनिर्भर बने। यह हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास रखने एवं जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये बहुत ही सुंदर पोइम थी, निर्धनता का निराकरण इसमें बताया गया है चार्ल्स मैके द्वारा। अब देखिए कुछ जो इसमें हमें ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई हैं इसमें। देखिए एक तो रिदम काफ़ी अच्छी है, रिदम आप समझ लीजिए जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंत्यानुप्रास। क्या कहते हैं रिदम को? अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कंप्लेन की जो रिदम है वो वैन के साथ है, कोल्ड की गोल्ड के साथ है, साइड की बिटाइड के साथ है, सेंड की हैंड के साथ है। तो ये पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज हुई हैं। और दूसरी जो पोएटिक डिवाइसेस में यूज हुई वो है एलिट्रेशन। कौन सी यूज हुई है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। यानी जो लाइन है दसवीं और ग्यारहवीं, कौन सी? दसवीं, दसवें नंबर की और ग्यारहवें नंबर की जो लाइन है उसमें यूज हुआ है। देखिए स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सोरो सेव्ड, तो इन शब्दों की पुनरावृत्ति हमें देखने को मिलती है। और देखिए पंक्ति बारहवीं जो पंक्ति है उसमें अगेन शब्द है आप देखिए, और जो सोलहवीं लाइन है उसमें दी शब्द है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है।